खरगोन जिले में दो भाइयों ने किसानों से लाखों रुपए की फसल खरीदी और पैसा लेकर फरार हो गए, जिसकी शिकायत लेकर किसान पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। हम आपको बता दें कि मामला ग्राम मुल्ठान का है, जहां धर्मेंद्र और जितेंद्र ने गांव के किसानों से तकरीबन 50 लाख रुपए से अधिक की फसल खरीदी और पैसा लेकर फरार हो गए। इस दौरान पीड़ित किसानों ने बताया कि पैसा वापस मांगने पर उन्हें आत्महत्या करने की धमकी मिल रही है, जिसे लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। अभी आपने एसपी ऑफिस में ज्ञापन दिया, ग्राम मुल्ठान क्या मामला हुआ? ये किसानों से फसल खरीद के जितेंद्र यादव पिता भगवान यादव नाम का व्यापारी है, उसने हमारे से फसल खरीद ली है, गेहूँ कपास वगैरह, और वो पैसे लेके फरार हो गया। ऐसे कितने किसान है? ऐसे 50-60 किसान। कितने रुपये लेके फरार? 50-60 लाख रुपये हर किसान से, किसी से 1 लाख, किसी से 50,000, किसी से 1.5 लाख। क्या बेचा क्या था आप लोग? कपास, गेहूँ, मक्का। कब की बात है? ये साल भर पहले की बात है, और कुछ लोगों से अभी लिया है उसमें 5-6 महीने पहले की बात है। किसी से उधार लिए हैं क्या? पेमेंट नहीं मिला? पेमेंट नहीं मिला। क्या नाम है आपका? कुंदन यादव। कुंदन यादव सर, हम मुल्ठान के हैं, कम से कम 25 किसान लोग। ये जितेंद्र पिता या भगवान यादव, ये मुल्ठान का है और इसकी कटलरी दुकान पर। तो सभी किसानों ने, किसी ने गेहूँ दिया, किसी ने कपास दिया, किसी ने मक्का दिया, किसी ने तुअर दी, जैसे सभी किसानों के पैसे लेके फ्रॉड हो गया हूँ क्या? वो उसका सामान जो भरा हुआ था दुकान के अंदर, वो कम से कम 10 लाख का माल था। उसका छोटे वाला भाई जो वहाँ से रात नाइट में निकलता है सामान और बेच देता है, और पैसे का यदि हम बोलते हैं उसको, तो वो हमको मरने की धमकियाँ देता है। बोले मैं ऐसा कर लूँगा और सबका नाम डलवा दूँगा। क्या चाहते हैं आप? तो इसकी शिकायत हमने खामखेड़ा चौकी पे शिकायत करना चाहा कि भाई इसकी शिकायत कर देते, हम आवेदन देना चाहा, तो वहाँ से हमको गाली गलौज मिली। वहाँ से जो नीरज पटेल ने हमको गाली गलौज दी, बोले आपने क्यों पैसे दिए और पैसे कहाँ से लाए, और गाली गलौज हमारे से लगी। हमारा कोई आवेदन नहीं लिया उन्होंने क्या? इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा निराकरण हो जाए और हमारा पैसा मिल जाए। जो सभी किसान व्यक्ति हैं, हम कोई व्यापारी नहीं है हम क्या? क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभ नाम है, सुरेश कुमार सुराजी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।